ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गायत्री देव्यै नमः, श्री मनमहाकालाय नमः, श्री प्रज्ञापुराणाय नमो नमः। एकदा तु हरिद्वारे कुम्भपर्वणि पुण्यदे पर्विष्णानस्य संजातः समारोहोत्र धार्मिकः देशान्तरद संख्यास्ते सद्गृहस्थाश्च संगताः अवसरे च शुभे सर्वे पुण्यलाभाप्ति काम्यया। एक बार पुण्यदायी कुंभ पर्व पर हरिद्वार क्षेत्र में विशाल पर्व स्नान का धर्म समारोह हुआ। देश देशांतरों से अगणित सद्गृहस्थ उस अवसर पर पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए। साधु संतों को भी परस्पर मिलजुल कर सामूहिक परिस्थितियों में आज उपाय खोजने थे, साथ ही अपने संपर्क क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुलझाने एवं सद्प्रवृत्तियां बढ़ाने के संदर्भ में राष्ट्र कल्याणकारी मार्गदर्शन भी प्रदान करना था। बंधु, समय समय पर ऋषियों का समागम हमारे देश में होता रहा है, और ऋषियों का समागम होटलों में नहीं, टाकीजों में नहीं, कहीं पिकनिक स्पॉट पर नहीं, बल्कि तीर्थों में, आरण्यकों में हुआ करता था। धार्मिक तिथियां आती थी, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, संक्रांति हो, दीपावली हो, श्रावण हो, तो वहां पर मेले लगते थे। तीर्थराज प्रयाग का मेला भी बड़ा प्रसिद्ध है। वहां पर भारद्वाज जैसे ऋषि बैठ करके भक्ति करते थे, और भक्ति के द्वारा परमारथ पथ परम सुजाना। आज हम तो गपशप करते हैं और स्वार्थ के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन पहले भक्ति होती थी, और भक्ति के द्वारा व्यक्ति परमार्थ के रास्ते पर चलने का प्रयत्न करता था। समय समय पर गंगा स्नान, यमुना स्नान, गोदावरी स्नान, सरस्वती स्नान चलता रहता था, और ऐसे अवसर पर विवेकशील ऋषि इकट्ठे होते थे। याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार भरे मकर नहाए, एक बार भरे मकर नहाए, सव मुनि से आत मन सिधाए, सब मुनि से आत मन सिधाए। चारों तरफ से ऋषि मुनि एकत्रित होकर के पवित्र नदियों में स्नान करते थे, और यह परंपरा अति प्राचीन है, वैदिक युग की परंपरा है। हरिद्वार में भी ऐसी मां भागीरथी का पवित्र प्रवाह सदियों से चल रहा है, और चार स्थान ऐसे हैं जहां पर कुंभ के मेले लगते हैं। उत्तर प्रदेश में तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी के किनारे कुंभ का मेला लगता है, महाराष्ट्र में गोदावरी के किनारे कुंभ का मेला भरता है, मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर
उज्जैनी में कुंभ का मेला लगता है और हरिद्वार में माँ गंगा के किनारे कुंभ का मेला लगता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब अमृत पीने के लिए राक्षस झपटने लगे तो विष्णु भगवान ने अपने द्रुतगामी वाहन गरुड़ को बुलाया और गरुड़ अपने पंजों में अमृत कलश को लेकर के उड़ा। जहां जहां पर भी अमृत की बूंदें गिरी, जिन नदियों में, वहां पर कुंभ के मेले लगते हैं। और उसमें एक स्थान यहां हरिद्वार का भी है, इसलिए भी हरिद्वार अत्यंत प्रसिद्ध है। और हरिद्वार क्यों प्रसिद्ध है? इसलिए भी प्रसिद्ध है कि भगवान श्री शिव दूल्हा का वेश बना करके सबसे पहले कनखल में दक्ष प्रजापति के यहां आए थे और यहां उन्होंने सती का वरण किया था। सती ने भी योगाग्नि में अपने देह का विसर्जन इसी हरिद्वार में किया था। माता पार्वती ने शिवत्व की प्राप्ति के लिए, यही बिल्केश्वर महादेव हैं हर की पैड़ी के उस तरफ, यहां पर बेलपत्र खा करके 3000 वर्ष तक खड़े होकर के तप किया था, इसलिए भी हरिद्वार प्रसिद्ध है। हरिद्वार और क्यों प्रसिद्ध है? इसको हरिद्वार भी कहते हैं। बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता भी यहीं से है, भगवान विष्णु के पास पहुंचने का, इसलिए हरिद्वार है। और ये हरिद्वार भी है, क्यों है? क्योंकि केदारनाथ भगवान शिव के पास में जाने का भी यही दरवाजा है। ध्रुव हो, प्रहलाद हो, भगवान श्री राम हो, लक्ष्मण हो, सभी ने ऋषिकेश में बैठकर के तप किया है। देवर्षि नारद ने सनक सनंदन सनत कुमार से यही गंगा वन में बैठ करके हरिद्वार के तट पर श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। जब आप सप्तऋषि क्षेत्र तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि जिन्होंने सारे विश्व को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में ले रखा था, ऐसे सप्तऋषियों ने यहीं पर तप किया। इसी हरिद्वार में पांडवों ने द्रौपदी के साथ में बैठ करके तप किया, पांडव घाट भी यहीं पर है। स्वामी दयानंद जी ने पाखंड खंडनी पताका इसी हर की पैड़ी पर लहराई थी, स्वामी दयानंद जी भी यहां पर पधारे। धर्मप्राण पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसी क्षेत्र में अखंड अग्नि स्थापित की और सप्तऋषि क्षेत्र का पुनरुद्धार किया है। यहीं पर स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। ये वही पवित्र पावन क्षेत्र है जहां पर विश्वामित्र ऋषि ने बैठ करके तप किया और आधुनिक युग के विश्वामित्र, आधुनिक युग के वशिष्ठ, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने इसी पावन हरिद्वार की भूमि को अपनी कर्मस्थली बनाया, अपनी धर्मस्थली बनाया। यहीं से लाखों लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर देव संस्कृति दिग्विजय का डंका बजाया। सारे संसार में गायत्री अभियान, प्रज्ञा अभियान, गायत्री की साधना, यज्ञों की पावन यज्ञाग्नि को यही हरिद्वार से स्थापित कराया गया है। ऐसे पावन हरिद्वार में कुंभ मेले के अवसर पर धौम्य ऋषि ने भी एक सत्र संचालित किया। मार्गदर्शन मिष्टम चा राष्ट्र कल्याण कारकम भागे रथे तटे तस्मात् संपदा सुमहानुभूत अस्मिन् पर्वणि धौमस्य महर्षि सावधात्रुभम सत्रम तत्र गृहस्थानां मार्गदर्शन हेतवे। ऐसे पवित्र समय में, जबकि मेलों में आकर आज लोग भटक जाते, सर्कस, चक्री, झूले, लोगों की भीड़, तरह तरह के दुकानों में व्यक्ति स्वयं मेले में खो जाता है, ऐसे समय में आज धौम्य ऋषि ने सोचा
कि आज साधु महात्माओं की भीड़ बहुत कम है। आज तो चारों ओर जहां तक नरमुंड दिखाई दे रहे हैं ये सब गृहस्थ हैं। यहां पर सत्संग का लाभ करने के लिए पधारे हुए हैं और ऐसी लाभ प्राप्ति का सुयोग देखकर धम्म ऋषि ने शंख निनाद करते हुए आज गृहस्थ सत्र का शुभारंभ किया। उपस्थितान गृहस्थान च संबद्धोवाच तत्र सह ऋषिर्धौम्यो गृहस्थस्य कर्मणो विशेषभूतम् पुण्यदम् घोषितम् तच्च गृहेऽपि वस्तामृणाम् वातवृत्ते तपोभूमे समानायाः विनिर्मिते। बहुत से जिज्ञासु गृहस्थ उपस्थित हुए। विचारशील महिलाएं भी उसमें बड़ी संख्या में थी, इसलिए आज धौम्य ऋषि ने सोचा कि हे सद्गृहस्थ जिज्ञासुओ, आज मैं आपसे कोई गहरे अध्यात्म की चर्चा नहीं करना चाहता। आज मैं आपसे कहीं किसी प्रकार का कोई योग या किसी प्रकार का धर्म की चर्चा करने के लिए भी नहीं आया हूं। आज तो मैं आपसे कुछ गृहस्थ धर्म की बात करने के लिए उत्सुक हूं। जिस देश में हजारों हजार कथाएं होती हों, जिस देश में हजारों हजार मंदिरों में पूजा होती हो, जिस देश में रात और दिन अखंड रामायण होती हो, जिस देश में अखंड कीर्तनों का प्रवाह चल रहा हो, जिस देश में तीर्थ यात्रियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही हो, आखिर उस देश में क्या कारण है कि इतना पाप ताप संताप बढ़ रहा है? क्या कारण है कि हर व्यक्ति के मुख की मुस्कान छिनती हुई चली जा रही है? क्या कारण है कि घर कलह और क्लेश के कुरुक्षेत्र बनते चले जा रहे हैं? आखिर कारण क्या है? इसलिए आप, मैं उस परिवार प्रणाली की गाथाएं आपको सुनाना चाहता हूं जिस परिवार प्रणाली के सशक्त मार्ग पर चलकर लोगों के चेहरे कमल जैसे खिले रहते थे, घरों में सुख शांति विराजमान थी, चारों तरफ व्यक्ति ऐसे गले मिलते थे जैसे दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं। इसलिए सद्गृहस्थ जिज्ञासुओं, गृहस्थ जीवन की मीमांसाई आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। भाई परिवार, जिसको परिवार कहा गया था, और परिवार का मतलब क्या है? परिवार, चार अक्षरों से परिवार शब्द बना है। पा का मतलब है परिपक्वता, पवित्रता। घरों में, परिवारों में परिपक्वता होती थी, पवित्रता होती थी। आज पवित्रता दिखाई नहीं देती, घर घूरे बने हुए पड़े हैं। आज मनों में भी पवित्रता नहीं है, दिलों में भी पवित्रता नहीं है, और घर में तो हर कमरे में आदमी जूते चप्पल पहने ही जाता है। बहनें चप्पल पहन करके भोजन बनाती हैं, और तो और आदमी का बस चले तो वो चप्पल जूते पहन करके ही भगवान को भोग लगा दे, भोजन तो खुद जूते चप्पल पहन करके ही करता है। अब पवित्रता मिट गई। पा का मतलब था पवित्रता, रिश्तों में पवित्रता हो और रिश्तों में परिपक्वता हो। रीका मतलब था रिजुता, रिजुता कहते हैं सरलता को। आज तो बनावटीपन हो गया। पत्नी का मतलब ये हो गया कि जो हमेशा पति पर तनी रहे, तनी खड़ी रहे, वो पत्नी। और पति का मतलब जो पत्नी पर अति कर दे, वो पति। आज दोनों की परिभाषाएं बदल गई। अब ऋजुता नहीं है, अब सरलता नहीं है, बड़ा कठिन मार्ग हो गया गृहस्थ का। परिवार, वाह का मतलब था वाक्य पटुता।
वाक्य चातुर्यता, पिताजी से कैसे बोलें, माताजी से कैसे बोलें, पत्नी से कैसे बात करें, बच्चों से कैसे बात करें। आज बड़ी तू तड़ाक भाषा में बात की जाती है, जबकि मां अपने बच्चे को सिखाती थी, एक बच्चा कितना अच्छा बोलता था, उसकी मां ने सिखाया बेटे सबसे जी करके बात किया कर। तो घर के छत पर आकर के एक बंदर बैठ गया, तो उस बच्चे ने कहा मम्मी जी छत पर बंदर जी आ गए। क्या बोलना सिखाते थे, मैं ये तो नहीं कहता कि आप बंदर जी को बंदर जी कहो या गधे को गधे जी कहो, लेकिन वाक्य पटुता किससे क्या बोले ये भी बात हमारी समझ में आना चाहिए। और परिवार रा का मतलब था रसमयता, आत्मीयता। आज परिवारों में कलह है, कटुता है, कड़वाहट है, आज परिवारों में रसमयता का अभाव है, आत्मीयता का अभाव है। जैसे गन्ने का रस निचुड़ जाता है तो गन्ने को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है उसकी छूछ को, आज रस न होने के कारण कोई घर का सदस्य किसी कोने में पड़ा है, आज किसी कोने में पड़ा है, कोई दूसरा घर का सदस्य कहीं बैठा हुआ है, कोई कहीं सिर पकड़े हुए है, और परिवार की पारिवारिकता पूरी तरह से मिट गई। जिन परिवारों ने नाना प्रकार के रत्न हमको दिए, भगवान श्री राम आकाश में से नहीं उगे, भगवान श्री कृष्ण धरती में से नहीं निकले, गौतम और गांधी दीवालों में से नहीं निकले, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, संत ज्ञानेश्वर, नचिकेता, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरत, लवकुश, किन किन की बात कहूं मैं आपसे, ये कोई स्वयं प्रकट नहीं हुए, बल्कि जितने भी महापुरुष महामुनि हैं, जितने भी महामानव हैं, जितने भी संत सही सुधारक हैं, ये किसी ना किसी गृहस्थ की गोद में खेले। आज ऐसे ग्रस्त धर्म में विकृति आ गई, परिवारों में परायापन आ गया, और परिवार पूरी तरह से आज टूटते चले जा रहे हैं। जिन्होंने नाना प्रकार के रत्न, जगमगाते हीरे मोती इस दुनिया को प्रदान किए, आइए उसी परिवार प्रणाली पर थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा सोचें, थोड़ा विचारें, जिस पारिवारिक प्रणाली के लिए कितना ऊंची ऊंचा भाव दिया गया है, कितनी ऊंची बात कही गई है, वह परिवार प्रणाली हमारे जीवन में पवित्रता का समावेश करे, जिसके विषय में कहा गया है इतने रत्न दिए हैं कैसे, इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश महान है, भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है, भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। इतने रत्न दिए हैं कैसे, इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश महान है, परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है, भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। इसी खान में ध्रुव निकले थे, माने उन्हें सवारा था, इसी खान में ध्रुव निकले थे, माने उन्हें सवारा था, इस हीरे को नारद जी ने थोड़ा और निखारा था, परम पिता की गोद में, हाँ परम पिता की गोद में, कितनों का बच
बचपन कट जाता है आमोद प्रमोद में आमोद प्रमोद में। नभ में ध्रुव परिवार की टीका, नभ में ध्रुव परिवार की टीका, शाश्वत अमर निशान है भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। परिवार चाहिए फिर से नव निर्माण को, ऐसे ही परिवार चाहिए फिर से नव निर्माण को, जहाँ देव संस्कार मिल सके धरती के इंसान को, जहाँ देव संस्कार मिल सके धरती के इंसान। राम भरत का स्नेह चाहिए घर घर कलह मिटाने को, घर घर कलह मिटाने। दशरथ जैसा त्याग चाहिए राष्ट्र धर्म अपनाने को, हाँ राष्ट्र धर्म अपनाने को। हो परिवार जहाँ नंदन मन, हो परिवार जहाँ नंदन, वह भू स्वर्ग समान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। इतने रत्न दिए हैं कैसे, इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश आने। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। ऐसे रत्नों की खान हमारे जीवन में विद्यमान है, फिर भी हम रंक बने हुए हैं, दुखी हैं। एक बार एक गृहस्थ व्यक्ति एक महात्मा जी के पास में आया, कहने लगा, महात्मा जी मैं बहुत दुखी हूँ, घर से बड़ा परेशान हूँ, घर में मन नहीं लगता, बाप हमेशा गाली देता रहता है, पत्नी हमेशा धिक्कारती रहती है, भाई बहन लड़ते रहते हैं, मैं तो संन्यास लेना चाहता हूँ, आप मुझे संन्यास की दीक्षा दें। महात्मा जी उसकी चाल समझ गए कि ये निकम्मा नाकारा अपने उत्तरदायित्वों से भागना चाहता है। तो महात्मा जी का अच्छा ठीक है, आज रात में 12 बजे तुम मेरे पास आना, मैं तुमको संन्यास की दीक्षा दूंगा। वो व्यक्ति उठा और पसीना पसीना होता हुआ रात में 12 बजे साधु के पास में पहुंचा। महात्मा जी कहा, बेटे इतना क्यों तू डर रहा है, इतना क्यों पसीना पसीना हो रहा है, इतना परेशान क्यों है, बता। तब तू जब तू घर से चला तो उस समय घर की क्या स्थिति थी। कहा, महात्मा जी मैं बड़ी मुश्किल से आ पाया हूं। क्यों? मुझे शाम से लेकर के अभी तक नींद नहीं आई, मैं रात में सोया सोने का नाटक करता रहा, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मेरे पास में सोया हुआ था, जब भी मैं उठने की कोशिश करता था तो पत्नी करवट बदल लेती थी, जब भी मैं सोने की उठने की कोशिश करता था तो मेरा छोटा सा 2 साल का बच्चा कुनमुनाने लगता था।
एक बार बच्चा जोर से रोया, पत्नी ने मेरी ओर से पीठ की और बच्चे को अपनी छाती से चिपकाया, और बच्चे को अपने छाती से चिपका करके जब उसकी नींद लग गई, सो गई, तो मैं दबे पैर उठा, धीरे से कमरे के बाहर निकला। कमरे के बाहर दूसरे कमरे में मेरे भाई बहन सोए हुए थे, खर्राटे भर रहे थे निश्चिंतता से। मैंने सोचा ये जग ना जाए, मैं दबे पैर उस कमरे में से निकला। बाहर के कमरे में मेरे माँ बाप कराह रहे थे, खांस रहे थे, कहीं ये मेरे निकलने की आवाज़ सुनकर के जाग ना जाए। मैं बिल्ली जैसे दबे पैर करके उनके कमरे में से निकला, धीरे से कुंडी खोली और खुले के बाद छोड़ कर के जो भागा, तो देखिए मैं आपके पास दीक्षा लेने के लिए आ गया, मैं पसीने पसीने हो गया। महात्मा जी ने दो चांटे लगाए, मूर्ख तू यहाँ संन्यास की दीक्षा लेने आया है? अरे पांच पांच भगवानों को छोड़कर, उस तपोवन को छोड़कर, उस आश्रम को छोड़कर तू इस आश्रम में संन्यास की दीक्षा लेने के लिए आया है? अरे पांच भगवान तेरे वहां पर हैं, तेरी पत्नी तेरा भगवान है, तेरा बच्चा तेरा भगवान है, तेरे माँ बाप तेरे भगवान है, तेरे भाई बहन तेरे भगवान है, और उन भगवानों को छोड़कर तू यहाँ पर संन्यास की दीक्षा लेना चाहता है, सुख शांति प्राप्त करना चाहता है? अरे यदि तेरे मन में शांति नहीं है तो तेरे वन में भी शांति नहीं मिल सकती, यदि घर में शांति नहीं है तो बाहर भी तुझे शांति नहीं मिल सकती। अरे पगले तू अपने भीतर ही शांति उत्पन्न कर और जो तेरा कर्तव्य है उसका निर्वाह कर। क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे धन्य धन्य है, धन्यो गृहस्थ आश्रम कहा गया। गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम सेवा सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है, इसे धौम्य ऋषि कहते हैं। गृहस्थाश्रम धर्मस्य परिपालनमप्यहो योगाभ्यास वास्ति संयमादात्मना सदा यथा कालम तु ये चैनम धर्म संपादयंतलम परलोकेथ लोकेपि सुखम संतोषमेव च। गृहस्थ धर्म का परिपालन भी एक प्रकार का योगाभ्यास है, क्योंकि इसमें सदा आत्मसंयम का पालन करना पड़ता है, जो इसे यथा समय सही रूप में संपन्न करते हैं वे लोग परलोक में सुख संतोष यश एवं श्रेय को प्राप्त करते हैं तथा प्रसन्न रहते हैं। वास्तव में आज व्यक्ति नाना प्रकार के धर्म संप्रदायों में जी रहा है। भारत में 300 प्रकार के धर्म हैं और 3600 प्रकार के संप्रदाय हैं। कहीं वो उस मंदिर में जाता है, कहीं इस मठ में जाता है, कहीं इस मस्जिद में जाता है, कहीं इस गिरजाघर में जाता है, कहीं इस गुरुद्वारे में जाता है, कहीं वैष्णो देवी की यात्रा करता है तो कहीं चारों धामों की यात्रा करता है, तो कहीं हनुमान जी पर प्रसाद चढ़ाने जाता है, तो कहीं देवी के आगे मत्था टेकता है, फिर भी उसके जीवन में सुख और शांति नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि जिस महान धर्म से ये सारे धर्म और संप्रदाय पैदा हुए हैं वह महान धर्म तो गृहस्थ धर्म है। उस धर्म को छोड़कर, उस धर्म का मर्म ना समझने के कारण, उस धर्म का कर्म ना समझने के कारण आज आदमी दुखी है, संतप्त है। सदग्रस्त जब अपने धर्म को समझ लेता है तो उसे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे यहां कितने सुंदर धर्म की और गृहस्थ की व्यवस्था थी। सबसे पहले दाम्पत्य जीवन, सबसे पहले गृहस्थ धर्म यदि उत्पन्न हुआ तो इस भारत के अंदर, ये विदेशों में नहीं, जब भी हम लोग हवाई जहाज में सफर करते हैं विदेश में जाते समय तो यार होस्टेस एक फार्म भरने के लिए देती है हवाई जहाज के भीतर, और मैंने भी उस फार्म को पढ़ा तो बड़ी हंसी आई। उसमें एक कॉलम था कि मैरिड हस्बैंड या अनमैरिड हस्बैंड, मैरिड वाइफ या अनमैरिड वाइफ, अर्थात विदेशों में हस्बैंड वाइफ नहीं होता, फ्रेंडशिप होती है और फ्रेंड बदलते रहते हैं, वहाँ बदलाव बहुत जल्दी होता है। यहाँ तो
एक ही बात होते कोटि जन्म लगे रगर हमारी, बरऊ शंभु न रहूं कुमारी। हमारे यहाँ तो ऐसी है और हमारे यहाँ से ही दाम्पत्य परंपरा गृहस्थ जीवन शुरू हुआ है। स्वायंभू मनु अरु सतरूपा, स्वायंभू मनु अरु सतरूपा, जिन ते भय नर कृष्ण अनुपा, जिनके भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरणनीका, दंपति धर्म आचरणनीका, आ जाऊं गाव श्रुति जिनकलीका, आ जाऊं गाव श्रुति जिनके मनु और सतरूपा हमारे देश के प्रथम दंपति है, प्रथम गृहस्थ। मनु नर का प्रतीक है, सतरूपा नारी का प्रतीक है। मनु मन्यु है तो सतरूपा करुणा है, मनु यदि पराक्रम है तो सतरूपा वीरता है। मनु पति है, सतरूपा पत्नी है। मनु ब्रह्म है, सतरूपा प्रकृति है। कितना सुंदर इनका जीवन है गृहस्थ का। बड़े तपस्वी, बड़े मनस्वी और इनका धर्माचरण होने के कारण इनके यहां वंश बेली भी कितनी सुंदर पनपी। नृपोत्तान पाद सुततासु, नृपोत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयउ पुनि जासु, ध्रुव हरि भगत गयउ पुनि तासु, देवहूत पुनि तासु कुमारी, देवहूति पुनि तासु कुमारी, मुनि करदम की प्रिय नारी, जो मुनि करदम के प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, आदि देव प्रभु दीन दयाला, नरठ धरे जेहि कपिल कृपाला, जरठ धरे जेहि कपिल कृपाला, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान, विचार निपुण भगवान। मनु महाराज का आध्यात्मिक जीवन, मनु महाराज का बड़ा धार्मिक जीवन, तो उनके यहाँ पुत्र भी कैसा उत्पन्न हुआ, उत्तानपाद। उत्तानपाद अर्थात जिसके पैर हमेशा ऊंचे मार्ग पर चलते, और उनके यहां ध्रुव हुआ। ये वही ध्रुव है जिस ध्रुव के दर्शन किए बिना वैवाहिक कार्यक्रम पूर्ण नहीं माना जाता। वर और वधु को ध्रुव के दर्शन कराए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ध्रुव भी ऊंचे मार्ग पर चला। उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति अर्थात जो नीति पर चले, सुरुचि अर्थात जो सुंदर। सुंदर दिखने वाला आदमी जरूरी नहीं है कि नीति पर चले, लेकिन नीति पर चलने वाला आदमी भले ही कुरूप है, वह भीतर से सुंदर होता है। राष्ट्र जीवन हमको एक प्रेरणा देता है। सुनीत के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। एक बार उत्तम राजा उत्तानपाद की गोद में बैठ करके खेल रहा था, ध्रुव भी खेलता खेलता पहुंच गया।
और ध्रुव ने राजा उत्तानपाद की गोद में बैठना चाह। सुरुचि वहीं पर खड़ी थी, सुरुचि अर्थात आकर्षण। जहां आकर्षण होगा वहां आत्मीयता नहीं होगी। आज सब आकर्षण पर रीझते हैं, और ये आकर्षण कितना बड़ा विग्रह पैदा करता है। आज आकर्षणों में ही विवाह होता है, आज दुकान का दुकान से विवाह होता है, मकान का मकान से विवाह होता है, पैसे के पैसे से विवाह होता है। आज लड़के लड़की का विवाह नहीं होता, लड़की का पिता लड़का ढूंढने के लिए नहीं जाता, बल्कि लड़की का पिता इंजीनियर ढूंढने जाता है, डॉक्टर ढूंढने जाता है, वकील ढूंढने जाता है, पैसा वाला ढूंढने के लिए जाता है, आकर्षण में जाता है। परिणाम स्वरूप महिला त्रिमुखी बन करके रह गई। जब तक विवाह नहीं हो जाता है तब तक होने वाली मंगेतर लड़के के लिए चंद्रमुखी दिखाई पड़ती है। बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है। विवाह हो जाता है तो वही स्त्री वही पत्नी सूरजमुखी दिखाई देने लगती है। चंद्रमुखी थी, अब सूरजमुखी हो गई, और दो तीन बच्चे हुए तो वही महिला वही पत्नी उसको ज्वालामुखी दिखाई पड़ने लगी। आज पूरी तरह से वासनात्मक विवाह होने लगे, आकर्षण के विवाह होने लगे। नारी एक मुखी होती थी जिसको हंसमुखी कहते थे। हमेशा प्रसन्नता रहती थी नारियों के चेहरों पर, मुख से फूल झड़ते रहते थे, लेकिन आज तो मुंह से सूल निकलते रहते हैं। हर घर का कमरा कोप भवन बन गया। अयोध्या में तो एक ही कोप भवन था, लेकिन आज तो देश के घर का हर कमरा कोप भवन बन गया, और देश के घर का हर आंगन कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया। धनादन सास और बहू की गोलियां चलती रहती हैं, भाई और भाइयों में बोलियां चलती रहती हैं, गोलियों और बोलियों में। बंदो आज घर बिगड़ गया, क्योंकि हम सुरुचि आकर्षण की ओर फंस गए। सुरुचि ने देखा कि ध्रुव भी राजा की गोद में बैठ गया, कहीं राजा ध्रुव को राज्य ना दे दे, ऐसा सोच करके उसको हाथ खींच करके हटा दिया। ध्रुव रोता रोता माँ के पास में होता, माँ माँ मुझे मेरे पिता ने गोद में से हटा दिया। और कोई माँ होती तो गृह युद्ध करा देती, लेकिन ये सुनीति थी, सुंदर नीति वाली महिला। इसका बेटे कोई बात नहीं, आज गोद में से हटा दिया कल बिठा भी लेंगे, इसमें रोने की क्या बात है। और फिर दूसरी बात यह है बेटे कि पिता से बढ़कर के परम पिता की गोद हुआ करती, इसलिए तुम परम पिता की गोद में बैठने की कोशिश करो। रब ने कहा, मां परम पिता की गोद कहां मिलेगी। मां ने कह दिया, बेटे परम पिता हर जगह। ध्रुव घर के पास में ही बैठ गया, नारायण 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 का जप करता रहा। भगवान श्री हरि ने उसको दर्शन दिए और कहा, बेटे तू नीचा मार्ग छोड़कर ऊंचे मार्ग पर चला है, इसलिए मैं तुझे सबसे ऊंचा पद प्रदान कर रहा हूं, ध्रुव तारे का। और ध्रुव तारा हमारे देश की पहचान बन गया, ध्रुव तारा हमारे गृहस्थ की पहचान बन गया, ध्रुव तारा हमारे दाम्पत्य जीवन की और विवाह की पहचान बन गया। कितना सुंदर गृहस्थ जीवन था, हमारा धार्मिक आचरण होगा तो हमारे बच्चे भी धार्मिक पैदा हो। माँ बाप तो भजन करते नहीं है और बच्चों से कहते हैं, बेटा सुबह उठ करके गायत्री जपो, चालीसा पढ़ो, नहीं, उनको अपने आचरण से प्रस्तुत करना होगा। मनु महाराज ने अपने आचरण से प्रस्तुत किया, और ऐसे मनु महाराज के दाम्पत्य जीवन गृहस्थ जीवन भी कितना सशक्त था। जब उन्होंने सोचा कि मेरा
बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था आ गई। आज तो जवानी भी चली जाती है, बुढ़ापा भी चला जाता है, हम जीवन को समझ ही नहीं पाते। जो मनु होगा, जिसके अंदर मनु होगा, वही अपने जीवन को समझ सकेगा। दिन रात गुजर जाते हैं, वर्षों की वर्षें गुजर जाती हैं, कभी हमने चिंतन नहीं किया। बंधुओं, अपनी थाली में सफेद चावल आता है भोजन करने के बाद में। कई जगह गुजरात में और कई जगह ऐसी परंपरा है कि भोजन के बाद में चावल दिए जाते हैं, भात दिया जाता है खाने के लिए। और भात आ जाता है तो समझते हैं कि अब भोजन पूर्ण हो गया, अब कुछ मिठाई फिठाई खाएंगे तो दूसरे लोग देख करके कहेंगे कि ये व्यक्ति तो चटोरा है, अब भोजन पूर्ण हो गया। इसी प्रकार हमारी जीवन रूपी थाली में, इस सिर की थाली पर जब सफेद बाल आ जाएं, जब ये चावल आ जाएं, तो समझना चाहिए कि अब हमारे भोगों का जीवन समाप्त, अब हम योग की ओर बढ़े। क्योंकि गृहस्थ जीवन अपने आप में एक योग, सदियां गुजर जाती हैं, व्यक्ति अपने जीवन को समझ नहीं पाता। मनु महाराज ने देखा कि मेरे सफेद बाल आ गए। सफेद बाल आते हैं तो व्यक्ति गोदरेज का ब्रश चला करके उनको काला करता है। दांत गिर जाते हैं तो बत्तीसी लगवाने के पास में, डॉक्टर के पास में जाता है। कम सुनाई पड़ने लगता है तो सुनाई देने की मशीनें लगा लेता है। झुर्रियां मिटाने का भी क्रीम आने लगा है, जिसकी कीमत एक एक डेढ़ डेढ़ हजार रुपए होती है। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा ना आए, अर्थात मैं अपने गृहस्थ जीवन के उद्देश्य को न समझ पाऊं, आदमी नकली जीवन जीने लगा। आज नकलीपन हो गया सब। एक आदमी संसार से बड़ा दुखी हो गया और कहा मैं मर जाऊं तो ठीक है। जहर ले आया बाजार से, जहर खाया, चद्दर ओढ़ करके सो गया, सुबह में मर जाऊंगा। लेकिन क्या करें, जहर नकली था, सुबह भी उसकी सांसें चल रही थी, कुछ उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो कहा आहा, भगवान ने मुझे जीवन दे दिया, चलूं मैं हलवाई के यहां से लड्डू ले आऊं। और लड्डू लेकर के उसने लड्डू खाए, और लड्डू खाए तो वो नकली लड्डू थे। खाने के बाद में वो आदमी लड्डू खा करके मर गया। बंधुओं, जहर भी नकली और लड्डू भी नकली और जीवन भी नकली। क्यों? क्योंकि गृहस्थ जीवन की वास्तविकता को हम समझ नहीं पाए। मनु महाराज ने देखा कि वृद्धावस्था आ गई तो क्या करना चाहिए। बारवस राज सोता ही नृप दीना और नारी समेत गवन बन कीना, हो ही न विषय विराग भवन बसत भात साथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिन। जाने कितने लोगों का जन्म ऐसे ही निरर्थक चला जाता है। लेकिन मनु महाराज ने अपने जन्म की वास्तविकता को समझा और उन्होंने पुत्र की इच्छा नहीं थी। आज तो गृहस्थ जीवन को देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कानपुर देहात की वह घटना मैं भूलता नहीं हूं, जिसमें उसके शराबी बच्चे अपने बाप से कहते थे कि जल्दी से जमीन जायदादों के कागजों पर दस्तखत करो, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। बाप ने सोचा ये बेटे शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, व्यसन करते हैं, कुकर्म करते हैं, मेरी जमीन जायदाद को और चौपट कर देंगे। उन्होंने कहा या तो अपनी शराब बंद करो, जुआ बंद करो, तब मैं तुम्हारे जमीन जायदाद पर ये दस्तखत करूंगा। एक दिन लड़के शराब पी करके आए बड़े गुस्से में, बाप के हाथ पैर बांध दिए, पेड़ पर लटका दिया, डंडों से बाप की पिटाई की और मिट्टी का तेल डाल करके बाप में आग लगा दी। एक जायदाद के टुकड़े के लिए बेटों ने बाप को जला दिया।
आज गृहस्थ जीवन कितना नारकीय हो गए, लेकिन उस समय चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र उत्तानपाद मनु महाराज से कह रहा है, महाराज अभी मेरे कंधे सशक्त नहीं हुए पिताजी, अभी मैं राज्य नहीं लूंगा। और बेटा कह रहा है, और बाप कह रहा है, नहीं बेटे तुम तो राजगादी पर बैठो, मैं तो अब वन में जाकर के भगवान का भजन करूंगा। आज ये गृहस्थ जीवन की वास्तविकता जाने कहां चली गई। के बारहवास राज सुतहि नृप दीना, और नारी समेत गबन वन कीना। पत्नी के साथ में वन को, आजकल तो गृहस्थ जीवन में पति पत्नी, कल मैं दाम्पत्य जीवन की बात आपसे कहूंगा, तो पति पत्नी तो 36 के आंकड़े बन गए। अगर पति ये कहे कि शांति कुंज हरिद्वार में 9 दिवसीय साधना सत्र चल रहा है, चलोगी हरिद्वार चलोगी, तो पत्नी कह देगी तुम ही पीले कपड़े पहने बाबा जी बनकर के घूमो, मैं तो अपने यहाँ टीवी के सामने बैठ करके सीरियल देखूंगी और अपने नाती पोतों को खिलाऊंगी, मुझे हरिद्वार फरिद्वार कहीं नहीं जाना। पत्नी नहीं जाएगी पति के साथ। और पति और पत्नी ये कहे कि आज अपने शहर में नगर में दीप यज्ञ हो रहा है, प्रज्ञा प्राण की कथा चल रही है और हरिद्वार से टोली आई हुई है, तुम चलोगे, तो पति कह देगा तुम ही पीली साड़ी पहन करके और भक्तिन बनी घूमो, मुझे कहीं दीप यज्ञ में नहीं जाना है, मैं तो दुकान पर बैठूंगा, ग्राहकों को देखूंगा, मैं दुकान देखूं कि तुम्हारे दीप यज्ञ में जाऊं। ना पति पत्नी का साथ देता, ना पत्नी पति का साथ देती, धार्मिक कार्यों में दोनों 36 के आंकड़े बन गए। लेकिन मनु महाराज पत्नी के साथ में गए। जिस नैमिषारण्य की बात आपने पहले सुनी, उस नैमिषारण्य में पति पत्नी गए। पवित्र वातावरण में ही भगवान की भक्ति होती है, दिव्य वातावरण में ही जीवन मूल्यों को समझने का अवसर मिलता है। वहां पर एक पैर से खड़े होकर के दोनों पति पत्नी ने तप किया, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने प्रकट होकर के वर मांगने को कहा, तो एकदम अपनी मनोकामनाएं गृहस्थ को भगवान के सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। यह जरूर है कि मनोकामनाएं मन में जन्म लेती रहती है, लेकिन फिर भी कोई बड़े आदमी, कोई भगवत सत्ता, कोई ऋषि मुनि गुरु हमारे सामने आए तो एकदम उनके सामने मनोकामना प्रकट मत करो। मनु महाराज ने क्या मांगा, अगर आप हम पर वास्तव में प्रसन्न हैं तो आप हमको दर्शन दीजिए। भगवान के दर्शनों की याचना कोई भी ग्रस्त नहीं करता। जिस दिन हमारे जीवन की डोरी भगवान के चरणों से बंध जाएगी, उस दिन ग्रस्त जीवन के सारे कसाय कलमश पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। हम तो भगवान को दिखाने के लिए भजन करते हैं, भगवान के प्रति सच्ची प्रीति हो, भगवान प्रकट हुए दर्शन दिए और उसके बाद भी मनु महाराज के मन में इतनी भक्ति करने के बाद भी थोड़ी सी सांसारिक मलिनता रह गई। बंधु हम समझते हैं कि 9 दिन का गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कर लिया, या 24 घंटे की अखंड रामायण का पारायण कर लिया, या हमने थोड़ी देर बैठ करके शिव चालीसा, हनुमान चालीसा या गायत्री चालीसा का पाठ कर लिया, तो या हमने 11 माला रोज का जप कर लिया, तो हमने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। अरे मनु महाराज ने हजारों वर्षों तक तप किया, फिर भी उनके मन में पुत्र की वासना रह गई। बाद में आध्यात्मिक बातें करते करते मूल विषय पर मनु महाराज आ गए, दान सरो मणि कृपा निधि और नाथ कहूं सति भाव, चाहूं तुम्हि समान सुत प्रभु सन कवन दुराव, मैं आपके समान पुत्र चाहे। भगवान ने कहा मस्त, मेरे समान और कौन होगा, भगवान तो दुनिया में एक ही है, लेकिन तुमने याचना की है तो मैं ही तुम्हारा पुत्र होऊंगा। और जब वो शत्रुपा के पास में पहुंचे, सोचा भगवान ने कि पति की इच्छा कुछ और है और पत्नी की इच्छा कुछ और,
और इच्छाएं अलग अलग होती ही हैं गृहस्थ जीवन में पति पत्नी की। पति चाहे कि आज तो पूड़ी बनने दो, और पत्नी कहे नहीं आज तो मैं पराठे बनवाऊंगी। पति कहे आज तो मैं भरवा बैगन खाऊंगा, और पत्नी कहती नहीं आज तो मैं भरे हुए करेले बनाऊंगी। पति कहीं कहीं घर में कहता है कि आज तो कद्दू की भुजी बनने दो, कहा नहीं आज तो मैं लौकी बनाऊंगी। आज तो मैं रायता खाना चाहता हूं, नहीं आज तो मैं कड़ी बनाऊंगी। हो सकता है इच्छाएं अलग अलग हो। इसलिए जब भगवान शत्रुपा के पास में पहुंचे तो गृहस्थ योग कितना ऊंचा कितना महान, दोनों की समरसता तो देखो, परिवार का मर्म तो देखो। शत्रुपा ने क्या, शत्रुपा ने भी अपने पति के अनुरूप ही वरदान मांगा। जो कुछ मनु महाराज ने मांगा है, हे प्रभु वही मुझे अच्छा है। इसको योग कहते हैं। योग का मतलब श्वास खींचना रोकना नहीं, योग का मतलब कहीं किसी प्रकार की कसरत नहीं, बल्कि विचारों की समरसता को योग कहा गया है। और ऐसा योग जब गृहस्थ जीवन में जुड़ जाता है तो गृहस्थ जीवन महान बन जाता है। एक कौशिक नाम का ब्राह्मण था, वह एक वृक्ष के नीचे बैठ करके संध्या वंदन कर रहा था। जब सूर्य देवता को अर्घदान करने लगा तो उसी समय एक चिड़िया ने उसके सिर पर बीट कर दी और कहा अरे ये मेरे सिर पर ये किसने गंदा कर दिया। उसने ऊंची निगाह करके देखा तो एक चिड़िया पर फैलाए बैठी थी। उसको क्रोध आया, उसने अपनी तप दृष्टि से उस चिड़िया को देखा और उसके तप दृष्टि से क्रोध दृष्टि से जल करके चिड़िया भस्म हो गई। कौशिक ब्राह्मण को बड़ा घमंड हो गया, मैं सन्यासी, मैं बड़ा तपस्वी, मेरे अंदर इतनी शक्ति कि चिड़िया जल करके भस्म हो गई। वो इस अभिमान को लिए हुए अपने नित्य नियम के अनुसार एक घर में भिक्षा मांगता था केवल। एक गृहस्थ के दरवाजे पर जाकर के कहा भिक्षाम दे। एक महिला निकल करके आई, स्त्री निकल करके आई, उसने कहा महाराज जी विराजमान होइए, मैं आपको भिक्षा लगा करके ला रही हूं। और वह भिक्षा की थाली सजाने लगी, गरम गरम भोजन ब्राह्मण के लिए परसने लगी। इतने में उसका पति आ गया। पति दोपहर का समय था, हारा थका पसीना होकर के आया था। उसका लो मेरा एक कुर्ता खूटी पर टांगो, लाओ पंखा लाओ, मुझको हवा करो, मुझे प्यास लग रही है, जल्दी पानी दो, और देखो मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे जोरों की भूख लगी हुई है, पहले मुझे भोजन परसो। और वो महिला ये सारे कार्य करने लगी। ये कार्य करते करते उसे थोड़ा विलंब हो गया। एकदम उसे ध्यान आया कि बाहर सन्यासी अतिथि बैठे हुए, वो एक ही जगह भिक्षा लेते हैं, दूसरी जगह जाएंगे नहीं। वो भिक्षा की थाली सजा करके लाई और कौशिक ब्राह्मण ने उसको बड़ी क्रोध भरी दृष्टि से देखा। तुमने बहुत देर कर दी। हाँ महाराज देर हो गई, मैं कह तो रही हूं, तुमने बड़ा विलंब कर दिया। महाराज नाराज मत होइए, ये गृहस्थ धर्मी ऐसा है, इसमें विलंब हो गया। नहीं तू जानती नहीं है तूने कितनी देर कर दी। हाँ महाराज मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं कह तो रही हूँ कि मुझसे देर हो गई, तुझे पता नहीं मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ। जब वो बहुत ज्यादा क्रोध करने लगा तो उस महिला ने कहा महाराज आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं, आप मुझे वो चिड़िया मत समझ लेना जो जला करके आए। कहा तूने कैसे जाना कि मैं चिड़िया जला करके आया हूं। कहा मैं गृहस्थ हूं, पति के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, बच्चों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, सास ससुर के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है, और जेठ जिठानी के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। मैं वर्षित वर्ष मैं कर्तव्य की ही पूजा करती हूं, तो देवी मुझे भी ज्ञान दे। मैं क्या ज्ञान दूंगी, पास के मोहल्ले में धर्म व्याध रहता है, आप वहां जाइए। ब्याज ब्याज कर्म करने वाला मुझे क्या शिक्षा देगा। फिर भी उसकी जिज्ञासा जागृत हुई और वह ब्याज के पास में पहुंचा। वह धर्म ब्याज अपनी दुकान बंद कर रहा था। उसका महाराज जी थोड़े बैठना, मैं जरूरी पूजा कर लूं। कहा ये क्या पूजा करता होगा, इसे कौन सा मंत्र आता होगा। ब्राह्मण ने खिड़की में से देखा कि उस धर्म ब्याज ने अपने अंधे बूढ़े माँ बाप को उठाया, उठा करके अपने हाथ से स्नान कराया,
स्नान करा के उनको अच्छे कपड़े पहनाए, कपड़े पहनाने के बाद उसके कपड़े धो करके डाले, कपड़े धोने के बाद फिर उसने उनको भोजन कराया माँ बाप को, और भोजन कराने के बाद जब वो लेट गए तो उनके पैर दबाए, और जब उनकी नींद लग गई तब वो धर्म याद आया, महाराज क्या आपको उस महिला ने भेजा है, पतिव्रता ने भेजा है? कहा तुमने कैसे जाना? कहा मुझे घर बैठे ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, बूढ़े माँ बाप के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है मैं इसकी पूजा करता हूँ, भाइयों बहनों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है मैं इसकी पूजा करता हूँ, नाते रिश्तेदारों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है मैं इसकी पूजा करता हूँ, इसलिए मुझे घर बैठे ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। उस कौशिक ब्राह्मण ने कहा आप मुझे ज्ञान दीजिए, और महाभारत में ऐसी कथा आती है कि धर्म व्याज ने उस कौशिक ब्राह्मण को 52 दिन तक गृहस्थ जीवन की शिक्षा दी और उसने संन्यास छोड़ करके गृहस्थ धर्म अपनाया। ऐसा महान गृहस्थ धर्म, ऐसा महान ये परिवार, और इसमें सारे नाते रिश्ते यदि योग करके चले तो हमारा जीवन ही कृतकृत्य हो जाए। इस घर में हम डॉक्टर बाद में, इंजीनियर बाद में, वकील बाद में, हम प्रोफेसर बाद में, हम नेता बाद में, हम अभिनेता बाद में, हम कोई भी पद पर बाद में जाते हैं, पहले तो किसी ना किसी घर के हम सम्मानित सदस्य हैं, हम दादा पहले, हम बाबा पहले, हम नाना पहले, हम नानी पहले, पहले हम किसी घर के पति हैं, पत्नी हैं, बेटे हैं, बेटी हैं, फूफा हैं, जीजा हैं, साले हैं, बहनोई हैं, पहले हम किसी ना किसी रूप में कुटुंब से जुड़े हुए हैं, बाद में इस दुनिया में आकर के हमें और दूसरी पदवी प्राप्त, और ऐसी पावन श्रेष्ठ इस गृहस्थ जीवन में जब हम अपने जीवन को ही तपोवन समझने लगेंगे तो बंधुओं फिर हमें किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं, किसी और जंगल में जाने की जरूरत नहीं, गृहस्थ धर्म का परिपालन करके ही हम सुख संतोष की प्राप्ति कर सकते हैं जैसा कहा गया है। गृहस्थ धर्म का परिपालन, गृहस्थ धर्म का परिपालन ऋषियों की बनी व्यवस्था है, ऋषियों की बनी व्यवस्था है, ऋषियों की बनी व्यवस्था है, वह सुख संतोष वह सच्चा योगी, वह सच्चा योगी कहलाता, कर्तव्य कर्म रत रहता है, वह सच्चा योगी कहलाता, कर्तव्य कर्म रत रहता है, वह सच्चा योगी कहलाता, कर्तव्य कर्म रत रहता है, जो सद्गृहस्थ अनुशासन को, जो सद्गृहस्थ अनुशासन को निष्ठा के संग निभाते हैं, निष्ठा के संग निभाते, निष्ठा के संग निभाते हैं, वह सुख संतोष, वह सुख संतोष श्रेय यश सब अपने जीवन में पाते हैं, सुख संतोष श्रेय यश सब अपने जीवन में पाते हैं, सुख संतोष श्रेय यश सब अपने जीवन में पाते हैं, सब धर्मों से अधिक है, सब धर्मों से अधिक धर्म महान गृहस्थ रामा, धर्म महान गृहस्थ रामा, धर्म महान गृहस्थ, राष्ट्र धर्म समृद्ध हित बने सभी विश्वस्थ, राष्ट्र धर्म समृद्ध हित बने सभी विश्वस्थ।
गृहस्थ जीवन में जब हम अपने जीवन को ही तपोवन समझने लगेंगे तो बंधुओं फिर हमें किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं, किसी और जंगल में जाने की जरूरत नहीं, गृहस्थ धर्म का परिपालन करके ही हम सुख संतोष की प्राप्ति कर सकते हैं जैसा कहा गया है। गृहस्थ धर्म का परिपालन, गृहस्थ धर्म का परिपालन ऋषियों की बनी व्यवस्था है, ऋषियों की बनी व्यवस्था है, ऋषियों की बनी व्यवस्था है। वह सच्चा योगी कहलाता, कर्तव्य कर्मरत रहता है। वह सच्चा योगी कहलाता, कर्तव्य कर्मरत रहता है। वह सच्चा योगी कहलाता, कर्तव्य कर्मरत रहता है। जो सद्गृहस्थ अनुशासन को, जो सतगृहस्थ अनुशासन को निष्ठा के संग निभाते हैं, निष्ठा के संग निभाते, निष्ठा के संग निभाते हैं, वह सुख संतोष, वह सुख संतोष श्रेय यश सब अपने जीवन में पाते हैं। वह सुख संतोष श्रेय यश सब अपने जीवन में पाते हैं। वह सुख संतोष श्रेय यश सब अपने जीवन में पाते हैं। सब धर्मों से अधिक है, सब धर्मों से अधिक धर्म महान गृहस्थ रामा, धर्म महान गृहस्थ रामा, धर्म महान गृहस्थ राष्ट्र धर्म समृद्ध बने सभी विश्वस्थ, राष्ट्र धर्म समृद्ध बने सभी विश्वस्थ। ऐसे पावन गृहस्थ धर्म में व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो घर के संचालन के साथ साथ उसके राष्ट्र संचालन का भी प्रशिक्षण उसे प्राप्त होता है। इसलिए घर को एक लघु राष्ट्र की उपमा दी गई है। ऋषि कहते हैं, लघु राष्ट्रम समाजोल्पः परिवारस्तु वर्तते, सीमताश्च जनास्तत्र परिवारे भवन्त्यपि। अते विधातुं च गृहस्थं सुव्यवस्थितं विकासो मे तुमद्यत्र सुविधा अधिकामुतः। हे ऋषियो, परिवार एक छोटा राष्ट्र या समाज है, उसमें सीमित लोग रहते हैं। अस्तु उसे संभालने विकसित करने का अभ्यास करते रहने की सुविधा भी अधिक है। जो परिवार में अपने उत्तरदायित्वों का परिपालन ठीक तरह से करते हैं, आगे चल करके वे राष्ट्र का संचालन भी ठीक तरह से कर सकते हैं। जैसे राष्ट्र का शासन होता है, राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होता है, इसी प्रकार घर में भी पति राष्ट्रपति है तो पत्नी प्रधानमंत्री से कम नहीं होती, चलती ज्यादा प्रधानमंत्री की है, पति से ज्यादा घर में पत्नी की चलती है। और पत्नी पर दो दो पद हैं, एक प्रधानमंत्री का और एक होम मिनिस्टर का। बहुत ऊंची पदवी है आप लोगों की। अगर कोई दोस्त घर में आए और पति कहीं बाहर गया हो, पत्नी अकेली हो, तो कभी नहीं पूछता कि प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर कहाँ गए, या
गृह विष्णु कहाँ गए, लेकिन किसी की पत्नी मायके चली जाए और दोस्त आए और दोस्त से पूछता है तो क्या पूछता है, आपके होम मिनिस्टर दिखाई नहीं दे रहे, गृह लक्ष्मी कहाँ गई। तो किसी भी पति को गृह विष्णु नहीं कहा जाता, लेकिन हर पत्नी को गृह लक्ष्मी कहा जाता। तो ये प्रधानमंत्री से कम नहीं। और बड़ा लड़का, छोटा लड़का, चाचा, काका, नाना और बुआ, जीजी, दादा, ये सब मंत्रिमंडल है। कोई विवाह शादी होती है, कोई काम कार आ जाता है, तो सब लोग बैठते हैं। कौन सा बैंड करेंगे, सब अपनी अपनी सलाह देते हैं। लाइट कितनी लगाएंगे, सामियाना कितना बड़ा लगाएंगे, सब मंत्रिमंडल में बैठ करके और अपनी अपनी राय देते हैं। ये लघु राष्ट्र है परिवार, और लघु राष्ट्र में मुखिया श्रेष्ठ होना चाहिए। जैसे देश में सबका भरण पोषण होता है, वैसे ही घर में बैठ करके भी भगवान से दो ही प्रार्थना करना चाहिए। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए, मैं भी भूखा साधु न भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए, टूटे सुजन जोड़ाइए जो टूटे सो हमारे यहां गृहस्थ जीवन के मंत्रिमंडल के कानून की ये धारा है। अगर कोई नाराज हो जाए तो रहीमदास जी ने कहा कि घर के किसी व्यक्ति को नाराज मत कर, इस्तीफा दे देगा पार्टी की बदनामी होगी मंत्रिमंडल की। इन्हें सबको संतुष्ट करो, और संतुष्ट करने का मतलब ये नहीं है कि लाल पत्ती की गाड़ी दे दो या उसको कोई और मंत्री पद बड़ा बना दो, इधर से उधर कर दो, नहीं, प्रेम से, व्यवहार से। कभी कभी दादा बाबा नाराज हो जाते हैं, जल्दी सनक जाते हैं, तो उनके पैर पड़ लो। पत्नी रूठी हुई बैठी है तो उसको बाजार से एक बढ़िया साड़ी ला करके दे दो, एकदम खिलखिला करके हंस पड़ेगी, बिल्कुल। और पति नाराज हो जाए तो कभी कभी गरम गरम पकौड़े बना करके खिला दो। सोचेगा पति, क्या देखो मैं ऑफिस से आता हूं तो गरम गरम पकौड़े मिलते। और बच्चे नाराज हो जाए तो उनको टॉफी बिस्कुट दो, गोलगप्पे खिलाओ, सबको मनाओ।
और हमारा घर ऐसा रहे कि भगवान बरकत सदैव होती रहे, कभी कोई कमी ना पड़े और कोई अतिथि भी आ जाए तो हम उसका पेट भी भर लें। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान कहूं एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहत विवेक। जैसे राष्ट्र के संचालक राष्ट्र को बुद्धिमानी के द्वारा चलाते, घर को भी बड़ी बुद्धिमानी के द्वारा चलाना चाहिए। विवेक द्वारा उसका संचालन करना चाहिए। खराब हट बच्चे की भी ना माने और सही सलाह यदि बच्चा दे तो उसकी भी बात को माने, घर स्वर्ग बन जाएगा। और बंधुओं, ये राष्ट्र तो बहुत बड़ा है लेकिन परिवार को राष्ट्र के सांचे में ढाल करके देखेंगे तो हम सच्चे सदग्रस्त बन सकेंगे, क्योंकि परिवार लघु राष्ट्र है। परिवार राष्ट्र का लघु स्वरूप समझाया है यह ऋषियों ने, अभ्यास राष्ट्र संचालन का, अभ्यास राष्ट्र संचालन का हो सकता है घर से अपने, अभ्यास राष्ट्र संचालन का हो सकता है घर से अपने, अभ्यास राष्ट्र संचालन का हो सकता है घर से अपने। संस्कार चाहिए दोनों में, संस्कार चाहिए दोनों में, सहकार व्यवस्था समता का, सहकार व्यवस्था समता का, सहकार व्यवस्था समता का। घर को आदर्श बनाने में होता विकास इस समता का, घर को आदर्श बनाने में होता विकास इस समता का, घर को आदर्श बनाने में होता विकास इस समता का। इसलिए राष्ट्र को सशक्त नागरिक देने के लिए परिवारों को भी सशक्त भूमिका का निर्वाह करना होगा, क्योंकि परिवार अपने आप में एक संगठन है। वस्तुतः परिवारस्तु संयुक्तम कथितम बुधै पुण्यम संगठनम यस्य सुव्यवस्था मता तुषा सद्भावस्य बाहुल्यात् सहकारस्य संततम कर्तव्य पालने वृद्धि कर्तव्या परिवार गहि। हे ऋषियों, परिवार तो वास्तव में एक पवित्र संयुक्त संगठन है, उसकी सुव्यवस्था पारस्परिक सद्भाव सहकार की बहुलता से ही बन पड़ती है। सभी सदस्य कर्तव्य पालन का अधिक ध्यान रखें और अधिकार उपलब्ध करने की जितनी सुविधा मिले उसी में किसी प्रकार काम चलाने का प्रयत्न करें। यह परिवार टूटते क्यों है? ईगो के कारण, अहंकार के कारण परिवार टूटते हैं, और परिवार तो पवित्र संयुक्त संगठन है। भेद दृष्टि यहां जहां पर आई वहां पर परिवार टूटे। दो भाई थे, दोनों में बड़ा प्रेम था, दोनों के एक एक बच्चे थे। वो बच्चे बड़े भाई को ताऊजी और छोटे भाई को दोनों बच्चे पिताजी कहते थे। छोटा भाई दुकान का काम संभालता था, बड़ा भाई घर का काम संभालता था। एक दिन बड़ा भाई गया बाजार, चार आम लेकर के आया, संयोग से दो आम खराब निकल गए। तो उसने खराब आम बाएं हाथ में ले लिए, अच्छे आम दाएं हाथ में ले लिए। बच्चों ने दूर से देखा, ताऊजी आए, ताऊजी आए, ताऊजी आए, तो वो दौड़े। छोटे भाई का बच्चा भी और उसका खुद का बच्चा भी दौड़ा। बहू छोटे भाई की पत्नी खिड़की में से देख रही थी कि ताऊजी आज क्या लाए।
बच्चे गए और उनके हाथ से चिपक गए, लाओ ताऊ जी क्या लाए हो खाने के लिए। तो बाएं हाथ की तरफ उनका खुद का बच्चा आ गया, दाएं हाथ की तरफ उनके भाई का बच्चा आ गया और उनके मन में भेद दृष्टि आ गई कि कहीं मेरे बच्चे को खराब आम न मिल जाए। इसे उन्होंने बड़ी सामान्य मुद्रा बना करके और ऐसे करके ऐसे दोनों हाथ क्रॉस जैसे बना करके आम उनके हाथों में रखे। वो बहू देख रही थी, उसने कहा आज ताऊ जी ने बिना प्रसन्न हुए ऐसे आम कैसे दिए हैं। पास में आए बच्चे तो देखा कि उसके बच्चे के आम तो खराब थे और उनके बच्चे के आम अच्छे थे। उन्हें चूल्हा ठंडा कर दिया, भोजन पकाने से वो रुक गई, आटा ऐसा कहीं ऐसा गुथा हुआ पड़ा रहा। और जब उसका पति दुकान से आया, कहा बहू कहा मुझे भोजन दो, उसने कहा अब इस घर में भोजन नहीं पकेगा। क्यों? इस घर से पहले अलग हो, जब तक तिया पांचा नहीं हो जाता तब तक मैं इस घर में खाना नहीं पकाऊंगी इस चूल्हे पर। बात क्या है ये बताओ ना, क्यों ऐसे स्वर्ग जैसे घर को तू आज तोड़ना चाहती है बहू? जेठ ने आकर के पूछा, बता क्या बात है? कहा आप ही बताइए कि बात क्या है। नहीं मुझे तो कुछ भी पता नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कहा और कुछ बात नहीं है ताऊ जी, बात केवल इतनी सी है, इतनी सी बात के कारण कि आम उसको अच्छे मिल जाएं, इसको खराब आम मिल जाएं, आपने अपने पराये का भेद किया, परिवार का संगठन टूट गया, स्वर्ग जैसा घर उजड़ गया। बाली और सुग्रीव की लड़ाई किस बात की थी? बाली और सुग्रीव की लड़ाई केवल भेद दृष्टि की लड़ाई थी जिससे उनका घर टूटा। जब भगवान राम ने कहा सुग्रीव तुम क्यों मन में रहते हो, तुम अपने अपनी बात मुझे कहो, तो सुग्रीव ने कह दिया मैं अपना चिट्ठा पढ़ करके सुना देता हूं आपको, फिर आप ही निर्णय करना कि मेरी कहां गलती है। हाँ बोलो। कि नाथ बाली अरु मैं दो भाई, अप्रीति रही कछु बरन न जाई, मैं सुत माया बीते ही नाओ आवासो प्रभु हमरे गांव। बड़ी प्रीति थी हम दोनों भाइयों, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक माया बीच में आ गई मैदानों के नाम पर। और उसने क्या किया कि अर्ध रात्रि पर द्वार पुकारा और बाली रिपुबल सही न पारा। उसने आधी रात में आकर के बाली को गाली दी, फिर क्या हुआ कि धावा बाली देख सो भागा, मैं पुनी गया हूँ बंधु संग लागा। बाली दौड़ा तो मैं भी बाली की सहायता के लिए गया। अच्छा फिर क्या हुआ कि गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। वो एक लंबी गहरी गुफा में घुस गया, तब बाली ने मुझे समझा करके ये बात कही थी कि यदि मैं महीने भर में लौट करके ना आऊं तो समझ लेना कि मैं मारा गया। तो क्या तुम 15 दिन में भाग उठे सुग्रीव? नहीं भगवान, मास दिवस में रहो खरारी, निकसी रुधिर धारता भारी, बाली हतिश मोहि मारिश आई, सिला देई मैं गयो पराई। मैंने सोचा कि गुफा में से ये खून की धार निकली, मैंने उस ब्लड का ग्रुप नंबर देखा तो वो बाली का ही फैनिल खून था ऐसा मुझे लगा, और मैं गुफा में बड़ी चट्टान रख करके भागा। मेरी कोई तमन्ना नहीं थी, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मेरी कोई आरजू नहीं थी कि मैं राजा बनूं, लेकिन मंत्री पुर देखा बिन साई और दीन सुराज मोहि बरी आई। और मेरी धारणा गलत निकली कि बाली ताहि मार गृह आवा, देखी मोह जिय भेद बढ़ावा। भेद दृष्टि पैदा हो गई बाली की कि शायद ये राज्य लेने के लिए सिला लगाया था और भगवान उसने मेरी पिटाई कर दी। पिटाई भी कर दी तो ठीक था, बड़ा भाई था मार लेता, लेकिन उसने मेरे साथ में अन्याय किया कि मेरा धन हरण कर लिया और उसने मेरे साथ में अनीति भी की कि मेरी पत्नी का भी अपहरण कर दिया।
रिप समान मोई मारिस भारी हर लीनिस सर्वस अरुनारी ताके भय रघुवीर कृपाला सकल भुवन में फिरऊ ब्याला यहाँ साप बस आवत नाही तरप सभीत रहू मन माही। प्रभु बताइए मेरी कहाँ गलती है। भगवान ने कहा है सुग्रीव ना तेरी गलती है ना बाली की गलती है केवल भेद दृष्टि की गलती है। तू अपनी बात अपने बड़े भाई को समझा नहीं पाया और बड़े भाई को तेरी बात समझ में आ नहीं पाई और मार पीट हो गई और आज केवल एक छोटी सी गलत भ्रांति के कारण कितनी बड़ी अशांति हो गई। बंधुओं भ्रांति ही ग्रस्त जीवन में अशांति का मूल कारण है। इसलिए सहकार के साथ में रहें साथ साथ रहें अहंकार को ना उभारें और साथ साथ मिलकर के काम करें। एक बार हाथ की पांचों उंगलियां आपस में लड़ पड़ी। सिंगली कहने लगी मैं बड़ी, अनामिका कहने लगी मैं बड़ी, मध्यमा कहने लगी मैं बड़ी, तरणी कहने लगी मैं बड़ी, अंगूठा कहने लगा मैं बड़ा, हथेली कहने लगी मैं बड़ी और आपस में सब जनी लड़ पड़ी। तो कलाई ने कहा क्यों चुंगली तू कैसे बड़ी। तो चुंगली ने कहा मैं इसलिए बड़ी हूं कि अगर बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं तो कुट्टी इसी वाली उंगली से करते हैं, चलो मेरी तुम्हारी दोस्ती कुट्टी। और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ मेरे ही ऊपर उठाया था इसलिए मैं बड़ी हूं। अनामिका ने कहा तू चुप रह, पूजा पाठ में मैं काम आती हूँ, तिलक लगाने में मैं काम आती हूँ, हवन करने में मैं काम आती हूँ, जब मैं काम आती हूँ, प्रत्येक शुभ कार्य मेरे द्वारा होता है, मैं बड़ी हूँ। मध्यमा ने कहा तू चुप रह, देखने में ही मैं तुम सबसे बड़ी हूँ। तर्जी ने कहा तुम चुप रहो, क्यों मैं बड़ी हूँ तू बड़ी कैसे, कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो तुम सब तो झुक जाती हो और मैं ही लड़ती हूँ। चुप आजाने दे अभी बबलू के पापा को, बड़ी आई देवरानी बड़ी आई जिठानी और मैं ही जब देवरानी जिठानी की लड़ाई हो सास बहू की लड़ाई हो तो मैं ही मटकती हूँ, मैं बड़ी हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का सिर काटा था तो मेरे ही ऊपर सुदर्शन चक्र रख करके चलाया था इसलिए मैं बड़ी। अंगूठे ने कहा तू चुप रह, क्यों मैं बड़ा हूं तू कैसे बड़ा है। अरे किसी को चिढ़ाना हो ना, वोटिंग करना हो तो मैं काम आता हूं तिली लिली झर्र। अच्छा और अगर कोई बिना पढ़ा लिखा हो दस्तखत करना ना जानता हो तो जब तक मेरा ठप्पा नहीं लग जाता तब तक वो सर्टिफिकेट प्रमाणित नहीं माना जाता, मैं बड़ा हूं देख सींग जैसा खड़ा रहता हूं। हथेली ने कहा तुम सब अपनी बकबक बंद करो, क्यों अगर मैं नहीं होती तो तुम कहाँ खड़ी होती, तुम मेरे सिर पर खड़ी हुई हो इसलिए मैं बड़ी हूं। कलाई ने कहा तुम सब चलो शांति कुंज की कैंटीन, और वहां बेसन रखा हुआ था चाशनी मिला हुआ लड्डू बनाने के लिए, वहां पर गरी के लड्डू बनाने के लिए गोले का चूरा रखा था। अब कहा चुंगली तू लड्डू बना नहीं बना पाई, अनामिका तू लड्डू बना नहीं बना पाई, मध्यमा तू लड्डू बना नहीं बना पाई, तरणी तू लड्डू बना नहीं बना पाई, अंगूठा तू लड्डू बना नहीं बना पाई, हथेली तू लड्डू बना नहीं बना पाई। कहा अब तुम सब मिलकर के लड्डू बनाओ, और सब ने मिलकर के लड्डू बनाना शुरू किए तो लड्डुओं से परात भर करके रखी हो गई। और ये ग्रस्त जीवन परस्पर सद्भावना से चलता है, इसलिए ग्रस्त जीवन को सबसे बड़ा योग मानना चाहिए। सहयोग और सहकारिता की वृत्ति होगी तो हमको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कहीं किसी और भजन पूजन करने की जरूरत नहीं, बच्चों में ही हमको भगवान के दर्शन होने लगेंगे। इसलिए कहा गया है मनु मथुरा दिल द्वारिका, मनु मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, ओ मनु मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, घर में तेरे रहत है बाल रूप भगवान कबीरा, बाल रूप
साथ तोड़ो चिटका जोड़ से पुनिना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाय रही मां जुड़े गांठ पड़ जाय जोड़े से पुनिना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाय रही प्रेम और आत्मीयता का संचार सहकार को बढ़ावा देता है। हम जब साथ साथ में मिलकर के रहें, एक उंगली को कोई भी तोड़ करके फेंक देगा लेकिन एक घूसा किसी का भी जबड़ा तोड़ देगा। एक लकड़ी को कोई भी काट करके फेंक देगा लेकिन लकड़ी का गट्ठा सिर पर रख ले तो वो गट्ठा उस आदमी को थका देगा। एक बार रेशम का थान आपस में लड़ पड़ा, थान के धागे लड़ पड़े, कहा मेरे कारण तू बना, मेरे कारण तू बना, मेरे कारण तू बना। तो आदमी उसको दर्जी के पास में ले गया, कहा इस रेशम के थान के धागों को अलग अलग कर दो। दर्जी ने कैंची उठाई और कैंची उठा करके सारे धागों को काट दिया और वो रेशम का वह थान जो दुकान की शोभा बढ़ा रहा था वो कूड़ेदान की शोभा बन गया। बंधु अहंकार के कारण, ईगो के कारण परिवार के सदस्य आपस में लड़ करके अपने स्वर्ग जैसे घर को नरक बना देते हैं, वीरान बना देते हैं। इसलिए आइए सह अस्तित्व के महत्व को समझें। सह अस्तित्व के साथ में रहेंगे, सहयोगी बनकर के एक दूसरे के रहेंगे तो परिवारों में स्वर्ग चहकता रहेगा, स्वर्ग में जीवन महकता रहेगा। आइए हम सहकारिता के सिद्धांत को अपनाएं। करते जो सहकार सफलता उनकी चेरी है, सफलता उनकी चेरी है। करते जो सहकार सफलता उनकी चेरी है, सफलता उनकी चेरी है। सफल नहीं वे हुए जिन्होंने, सफल नहीं वे हुए जिन्होंने, शक्ति बिखेरी है, सफलता उनकी चेरी है, सफलता उनकी चेरी है। को वह देता जाता, खाता है किंतु पेट को वह देता जाता। पेट रस रस रक्त बनाने आगे पहुंचाता, और पेट रस रक्त बनाने आगे सफलता उनकी तेरी है। अलग अलग लकड़ियां टूटती गट्ठर टूट न पाता, अलग अलग लकड़ियां टूटती ग
पत्थर टूट न पाता। खाद और जलवायु मिले तो वृक्ष बड़ा हो जाता। खाद और जलवायु मिले तो वृक्ष बड़ा हो जाता। जली दिवाली दीपों की कभी, जली दिवाली दीपों की कभी की अंधेरी की तेरी है। करते जो सहकार सफलता की तेरी है, सफलता की तेरी है। सफल नहीं वे हुए जिन्होंने, सफल नहीं वे हुए जिन्होंने, धरती बिखेरी है। सफलता उनकी तेरी है, सफलता उनकी तेरी है, सफलता उनकी तेरी है। हे ऋषियों, परिवार संस्था का गठन, काम कौतुक, भोजन व्यवस्था, सामान की सुरक्षा एवं नित्य कर्मों की व्यवस्था मात्र करने के लिए नहीं होता, बल्कि इसके साथ में पुण्य परमार्थ भी जुड़ा हुआ है। इसलिए घर के लोगों को केवल स्वार्थ की बात ही ना समझाएं, परमार्थ की ओर भी प्रेरित करें। जब महाभारत युग में लाक्षा ग्रह का षड्यंत्र रचा गया, लाक्षा ग्रह में पांडवों को माता कुंती सहित जलाने की योजना दुर्योधन ने बनाई थी, विदुर जी ने सांकेतिक भाषा में युधिष्ठिर को खबर पहुंचाई और माँ कुंती के साथ में पांचों पांडव लाक्षा ग्रह से निकल करके एक चक्रधर कुमार के यहाँ आकर के रुके। उस नगर के बाहर जंगल में एक राक्षस रहता था जिसका नाम था बकासुर, और वो हमेशा कई लोगों को एक साथ खा जाता था। नगर वालों ने प्रार्थना की, हे असुर, हम नित्य प्रति तुम्हें एक आदमी भोजन में भेज दिया करेंगे, तुम गांव वालों को इस प्रकार से खाओ मत। उसने मान ली बात। घूमते घूमते चक्रधर के यहां भी नंबर आ गया कि एक आदमी को खाने के लिए भेजना है, गाड़ी में सामान रख करके खाने का, और खुद भी वो आदमी को भी खा जाता था। अब तीनों रो रहे थे सुबह से, अब क्या होगा, तीन ही आदमी हैं हम, एक बच्चा है, पति है, पत्नी है, किसको भेजे? अगर पति चला जाएगा तो घर अनाथ हो जाएगा, पत्नी चली जाएगी तो घर की शोभा मिट जाएगी, और बच्चे को उसके खाने की गाड़ी के साथ में भेजें तो इकलौता बच्चा है, क्या होगा। हाहाकार मचा हुआ था घर में। कुंती ने सुना तो कुंती पांचों बच्चों के साथ में वहां पर उसके घर में टिकी हुई थी। कुंती माता आई, क्या बात है? कहा, माँ ऐसी ऐसी परेशानी है। तो एक सदगृहस्थ का, उत्तरदायित्व का, परमार्थ परायणता का परिचय देते हुए कुंती ने कहा, आपने तो हमको अपने घर में संरक्षण दिया है, हम आपके अतिथि जरूर हैं लेकिन आपके ऋणी भी हैं, और मेरे तो पांच बच्चे हैं, यदि एक बच्चा असुर का भोजन बन भी जाएगा तो मैं इसको भी एक सौभाग्य समझूंगी, और तुम चिंता मत करो, मेरे बेटे असुर के पंजों में आने वाले नहीं। भीम को पूरे भोजन की गाड़ी के साथ में कुंती ने भेज दिया। भीम राक्षस की तरफ पीट करके खुद ही दही बड़े, गुलाब जामुन, लड्डू, पेड़े उड़ाने लगे।
असुर ने कहा मेरा सुगंधित खाना कौन खा रहा है, और ये आदमी कौन है जिसको मैं कच्चा चबा जाना चाहता हूँ, और ये मेरे सामने क्या कर रहा है। ललकारा भीम ने उठा, भीम में 10,000 हाथियों का बल था, उसने बकासुर की गर्दन पकड़ी और इतने तेज उसकी गर्दन दबाई कि उसकी जीभ बाहर निकल आई, आँखें बाहर निकल आई, और उस सदग्रस्त भीम ने उसकी माँ की प्रेरणा से उस नगर को संकट मुक्त करा दिया। बंधुओं, पड़ोस में संकट आया हो, पड़ोस में कोई दुख आ गया हो, तो यह सतग्रस्त का धर्म नहीं है कि वो चुपचाप सुख की नींद सोता रहे। अरे जाकर के उनकी सेवा करे। परमार्थ परायणता जिस दिन हमारे अंदर आ जाएगी, उस दिन सतग्रस्त जीवन हमारा कृतकृत्य हो जाएगा, हम धन्य बन जाएंगे। और अगला सूत्र बतलाते हुए सतग्रस्त जीवन का महर्षि धम्म कहते हैं, चर्चा मिमां महर्षि सा धौम्यग्रे वर्ध्यन पुना उवाच भद्रा शृणतु परिवारस्तु वर्तते दिव्या प्रयोग सालेव सद्गुणोन्मेष कारणीम तस्य संचालनम सम्यक निर्धारण मथापि च। ऋषि प्रवर धौम्य अपनी चर्चा में एक पवित्र संदेश देते हुए कहते हैं कि हे भद्रजनों, परिवार तो सद्गुणों को विकसित करने की एक प्रयोगशाला है, उसका सही निर्धारण एवं संचालन किया जा सके तो निश्चय उस परिवार में, उस परिकर में सुयोग्य विकसित शिक्षित नागरिक एवं मां मानव निकलेंगे। यह घर परिवार ही नहीं है, आजकल तो घर परिवार को देख करके लोग कहते हैं कि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये गृहस्थी तो बड़ा जंजाल है। अरे जंजाल नहीं है, ये गृहस्थी तो देवालय है। घर तो स्वर्ग है, घर तो एक मंदिर है, लेकिन आज इस मंदिर को मदिरालय बना दिया गया, इस धर्म को आज व्यक्ति ने पूरी तरह से अधर्म बना दिया, क्योंकि दुर्गुणों का भंडार भर गया है घरों में। जब तक आदमी पी नहीं लेता दारू, तब तक वो घर में प्रवेश नहीं करता। शान समझता कि दारू पी करके मैं घर में आऊंगा तो लोग मेरी बड़ी इज्जत करेंगे, मुझसे बड़े डरेंगे। डरेंगे नहीं, तुमको तिरस्कृत करेंगे, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। बंधु, व्यसन हटना चाहिए घरों से, ये बहुत बड़ा दुर्गुण है। एक शराबी शराब पी करके आया, होश को गमा देता है, और वो आया और अपने घर के सामने गंदी नाली में गिर गया। बहुत डटाए हुए था, पानी लगा तो थोड़ा उसको होश आया, तो उसकी भैंस वहीं पर खड़ी थी घर के बाहर, तो भैंस की पूंछ पर उसका हाथ पहुंच गया और वो नशे में कहने लगा, अरे बबलू की मम्मी, तुम तो दो दो चोटी करती थी, यहां तुमने एक ही चोटी की है। उसे पता ही नहीं कि ये भैंस की पूंछ है कि बबलू की मम्मी की चोटी है। दुर्गुण आदमी को किस दुर्दशा में ला करके पटक देता है, और आदमी को हम बोलना तो अच्छा सिखा देते हैं, नाटक भी बोलने का अच्छा कर लेता है, लेकिन जब तक दुर्गुण मन से नहीं जाएंगे तब तक उसका बोलना भी बोलना नहीं रहेगा। वाणी खूब अच्छी बोलेगा। एक आदमी ने इस घर में वहां सुना कथा में कि सु माने अच्छा, कु माने बुरा, तो कहा बस अब मेरी डिक्शनरी में सुसा से यही शब्द रहेगा, कु का के ये सब हट जाएंगे।
अब मैं का कु के कऊ कम कहा कि बारह खड़ी निकाल दूंगा, कक्का किक्की को हटा दूंगा। घर पर गया तो उसने किवाड़ खटखटाया और जोर से चिल्लाया, माँ सिवाड़ खोलो। किवाड़ को सिवाड़ कहने लगा, कुआ को सुआ कहने लगा, कुत्ता को सुत्ता कहने लगा, कबूतर को सबूतर कहने लगा, कान को शान कहने लगा, किताब को सिताब कहने लगा, क्यों को श्यों कहने लगा, काका को सासा कहने लगा, काकी को सासी कहने लगा। उसने बिल्कुल का शब्द हटा ही दिया। अब उसका विवाह हुआ तो कहा, शादी? अरे वाह, इसमें सा शब्द है, क्या बढ़िया। ससुर? अरे वाह, इसमें भी सा है। सास? इसमें भी सा है। ससुराल? इसमें भी सा है। साले? इसमें भी सा है। साली? इसमें भी सा है। सरहद? इसमें भी सा है। अब वो ससुराल गया विवाह के दूसरी बार तो सास दरवाजे पर खड़ी थी। कई जगह दामाद को कुंवर साहब कहते हैं, तो सास जोर से चिल्ला करके बोली, अरे कहाँ चले गए सब लोग, देखो कुंवर साहब आ गए, कुंवर साहब आ गए। तो वो चिल्ला करके बोला दामाद, अरे सासू जी ये क्या कहती हो, कू कहती हो, कहो कि सुवर साहब आ गए, सुवर। आदमी शब्दों के काकू से साहब में पड़ा रहता है। गृहस्थ जीवन में हम वाणी तो अच्छी बोलते हैं, लेकिन बंधुओं गृहस्थ में कभी हम आचरण अच्छे नहीं करते। और ये प्रयोगशाला है ग्रस्त, इसमें बच्चे को जो सिखाएंगे वो सीखता हुआ चला जाएगा। आज तो दुर्गुणों से हमारा जीवन बढ़ता चला जा रहा है। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन कर बाबह से साधुन सन कर पर धन पर दारा पट पर धन पर दारा जिनके आसया चरण भवानी जिनके आसया चरण भवानी से जाना हो निश्चर प्राणी ले जाना चर सम प्राणी राक्षस वो नहीं होता जिसके बड़े बड़े सिंह, राक्षस वो नहीं है जो बड़ा काला कलूटा हो, राक्षस वो नहीं है जिसका मटका जैसा पेट हो, राक्षस वो नहीं है जो बड़ा डील डोल वाला हो। राक्षस कौन है? यदि कोई गोरा भूरा पैंट सूट पहने हुए आदमी माता पिता को सताता है तो वह राक्षस है, भाइयों से लड़ाई करता है तो वह राक्षस है, पत्नी को पीटता है तो वह राक्षस है, बड़ों का सम्मान नहीं करता तो वह राक्षस है। इसे बच्चों को बचपन से ही सद्गुण सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। एक बूढ़ा बाप था, वो अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ा था 30-40 साल की उम्र का बाप था, वो बच्चे को गोद में लिए खड़ा था। सामने आम के पेड़ पर आकर के कौवा बैठ गया, तो उस बच्चे ने अपने बाप से पूछा, पिताजी वो क्या? बाप ने बड़े प्यार से कहा, बेटे वो कौवा है। बच्चे ने फिर पूछा, पिताजी वो क्या? बेटे वो काग है। फिर बच्चे ने पूछा, पिताजी वो क्या? बेटे वो कौआ है। फिर पूछा, पिताजी वो क्या? बेटे वो काग है। फिर पूछा, बेटे वो क्या? पिताजी वो क्या? कहा, बेटे वो कागड़ा है, कौआ है, काग है। बाप ने बड़े प्यार से बताया, 100 बार बच्चे ने पूछा और 100 बार बाप ने बताया। अब दिन फिरे, वो 30-40 साल का पिताजी 60-70 साल का बुढ़ा हो गया, वो 2-3 साल का बच्चा 25-30 साल का जवान हो गया। बाप उसको कोई सद्गुण नहीं दे पाया,
वो दुर्गुणों में पड़ गया, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, उसकी गलत स्वभाव संगत हो गई। एक दिन उसके जवान दोस्त उसके घर पर आए, दारू पीने लगे, जुआ खेलने लगे, गाली गलौज करने लगे। बूढ़ा बाप बाहर बैठा था, उसने सुना समझा तो कहा, बेटे कौन आया रे अपने घर? बेटा कुछ बोला ही नहीं। बेटे कौन आया रे? तब भी बेटा कुछ नहीं बोला। अरे बेटे बोलता क्यों नहीं, कौन आया अपने घर, कौन शोर कर रहा है? तब भी बेटा नहीं बोला। अरे बेटे बोलता क्यों नहीं, कौन लड़ रहा है, कौन झगड़ा कर रहा है? तो बेटा क्या बोला आप जानते हैं? आया होगा कोई भी, जब तुमको कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, बूढ़े हो गए, रिटायर्ड हो गए, तो चुपचाप घर के बाहर क्यों नहीं बैठे रहते? बाप रो पड़ा, बेटे तू वही बेटा है, तूने बचपन में मुझसे पूछा था 100 बार कि ये क्या, और 100 बार मैंने बताया था ये कौआ, और आज जब मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई, जब मैं बुड्ढा हो गया, जब मेरी कमर झुक गई, जब मुझे कम दिखाई देने लगा, तो तू मुझे धुतकार रहा है? माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। इसका कारण क्या है कि माँ तो पिता बालकन बुला वही, और उधर भर ही सो जतन सिखावे। माँ बाप स्वयं ही बच्चों के अंदर सद्गुणों का शिक्षण नहीं दे पाते। विनोबा विठोबा बलकोबा तीन बच्चे थे, और तीनों को जब उनकी माँ भोजन देती थी तो रामू नाम के नौकर का लड़का मुन्नू वहीं पर खड़ा रहता था, और माँ उसको भी घी से चुपड़ करके रोटी दे देती थी। एक बार विनोबा ने पूछा, माँ ये जो लड़का नौकर का है, तुम इसको भी घी से चुपड़ी हुई रोटी देती हो? तो माँ बोली, बेटे ये माना कि नौकर का लड़का है, लेकिन तुम्हारे जैसा बच्चा तो ये भी है ना, और यदि इसको मैं तुमको घी से चुपड़ी रोटी देती हूं और इसको भी यदि 2 रोटी दे दूंगी तो हमारे घर में कमी तो नहीं पड़ जाएगी? और उस बच्चे पर इतना बड़ा संस्कार पड़ा कि वह बच्चा बड़ा होकर राजनीतिक जगत में 2 ही ऐसे महान व्यक्ति हुए जो महात्मा और संत कहलाए। गांधी जी महात्मा कहलाए और विनोबा संत कहलाए। गांधी के अंदर मां पुतलीबाई का संस्कार बोल रहा था, और विनोबा के अंदर उनकी मां का संस्कार बोल रहा था। कौशल्या नहीं होती तो राम नहीं होते, यशोदा यदि सद्गुणी नहीं होती तो कृष्ण नहीं होते। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के अंदर उनकी मां का दूध बोल रहा था। गृहस्थ जीवन में बच्चों को केवल पेट भरना ही नहीं सिखाया, बल्कि मात पिता बालकन बुला वही, और रामचंद्र के सुजस सुना वही। ये बात जिस दिन अपने अंदर होगी, उस दिन बंधुओं ये हमारी प्रयोगशाला, ये पाठशाला, ये पाठशाला न रहकर हमारा घर ही संस्कार शाला बन जाएगा, और बच्चे राम कृष्ण गौतम गांधी जैसे उत्पन्न होंगे, फिर टाटा बिड़ला रंगा बिल्ला नहीं, फिर टाटा बिड़ला उत्पन्न होंगे, और फिर जो है ये कंस और रावण नहीं, कृष्ण और राम पैदा होंगे। ये तो हमारे हाथ में है कि हम बच्चे को राम बनाना चाहते हैं या रावण, कृष्ण बनाना चाहते हैं या कंस, क्योंकि परिवार तो सद्गुणों की प्रयोगशाला। हमें सद्गुणों का खजाना मिला है, मगर व्यर्थ में ही लुटाना मना है। हमें सद्गुणों का खजाना मिला है, मगर व्यर्थ में ही लुटाना मना है। हमें सद्गुणों जाना मिला है, मगर व्यर्थ में लुटाना मना है। हमें सद्गुणों का
रत्न निकले यहीं से परमित परिवार है पुष्ट व्यायामशाला परिवार है पुष्ट व्यायामशाला जाना मिला है मगर व्यर्थ में लुटाना मना है मगर व्यर्थ में लुटाना मना है मगर व्यर्थ में लुटाना मना है हमें सद्गुणों का खजाना मिला ऋषियों घर घर में जब सद्गुणों का विकास होगा तभी सद्ग्रस्थ परंपरा समुन्नत हो सकेगी परिवारों में स्वर्गीय वातावरण बन सकेगा क्योंकि आगामिषु दिनस्वेव समाजस्य नवा स्थितिः प्रज्ञा युगे समाश्रित्याधारं वै परिवारकं भक्तिता यत्र नीतिस्तु वसुदैव कुटुंबकम् स्वीकृता सा तथा सर्वे या सत्यानुमुत्तमम् अगले दिनों प्रज्ञा युग में समाज का अभिनव निर्माण पारिवारिकता के आधार पर ही होगा वसुदैव कुटुंबकम की नीति अपनाई जाएगी सभी अपने आप को विश्व परिवार का सदस्य मानेंगे मानो विराट ब्रह्म की ही सुसंस्कृत समाज में झांकी परिलक्षित होगी बंधुओं परम पूज्य गुरुदेव ने परिवारों को सुदृढ़ बनाने के लिए ही अपनी क्रांति अपनी संस्था और अपने संगठन का नाम गायत्री परिवार रखा है परिवार जैसी सहकारिता परिवारों में जो शालीनता है परिवारों में जो सुव्यवस्था है परिवारों में जो मितव्ययिता है और परिवारों में जो श्रमशीलता है ये पांचों पंचशीलों के माध्यम से बंधुओं हमें आने वाले प्रज्ञा युग की नींव रख सकेंगे इसलिए पारिवारिकता का विकास किया जाए पारिवारिकता का विकास होगा तो समाज सभ्य बनेगा समाज का विकास होगा तो राष्ट्र समुन्नत बनेगा और जो राष्ट्र समुन्नत होता है कभी वह पराभूत नहीं होता इस सुंदर समाधान को सुनकर सभी सद्ग्रस्त जिज्ञासुओं ने आज अपने आप को कृतकृत माना कल और अधिक दाम्पत्य जीवन की अमृत वर्षा धौम ऋषि के मुखारविंद से होगी ऐसी आशा उम्मीद करते हुए सारे ऋषि अपने नित्य नियमित कार्य के लिए विसर्जित हुए इति श्रीमत्प्रज्ञापुराणे ब्रह्म विद्यात्मविद्यो योगदर्शन युग साधना प्रकटीकरणयो धौम ऋषि प्रतिपादते परिवार संस्था इति प्रकरणो नाम अध्यायः बोले श्रीमत्प्रज्ञापुराण की जय।